दोस्तों, मैं प्रवीण, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने दिल्ली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, किस तरीके से आप एक कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस बन सकते हैं, ट्वेल्थ के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, कितने कितने एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं, फीस कितनी रहती है, सैलरी कितनी हो सकती है, कंपनी सेक्रेटरीज की जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है, ऐसे ही सारे कॉमन क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में होंगे कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक ही वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में कंपनी सेक्रेटरी बनने के बारे में सोच रहे हैं 2018 या 19 के बाद, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। बट उससे पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसे वीडियोस फ्यूचर में हम जब भी लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। देखिए, एक सीएस का कंपनी में काम होता है चीज़ों को मैनेज करना, मीटिंग्स को अरेंज करना, जितने भी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना, सारी रिपोर्ट जो है अपने हायर अथॉरिटीज़ को देना, ऐसे बहुत सारे काम जो एक कंपनी में होते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी सेक्रेटरीज की। एक बहुत रिस्पॉन्सिबल टास्क मैं इसको कहूँगा। तो दोस्तों, ये तो काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। अब बात करते हैं कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए, दो तरीके हो सकते हैं। आप ट्वेल्थ के बाद करना चाहे तब भी आप कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करना चाहे तब भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस रहता है कुछ एग्जाम्स वगैरह का, तो वो क्या रहता है उसके बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। बट सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप ट्वेल्थ के बाद करना चाहते हैं तो क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज रह सकती है, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहती है। देखिए, अगर आप ट्वेल्थ की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने चाहे ट्वेल्थ में साइंस ली हो, कॉमर्स ली हो, आर्ट्स ली हो, आप कंपनी सेक्रेटरी कर सकते हैं, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स वाला ही करेगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने का तो आप जा सकते हैं, आपको सिर्फ ट्वेल्थ में पास होना है, दैट्स इट। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरी जो कोई डिग्री नहीं है, ये एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है। साथ ही साथ अगर आप कंपनी सेक्रेटरी करते हैं तो आपको एक अपनी डिग्री वगैरह पूरी करनी चाहिए। आप ओपन से अपनी डिग्री करते रहिए और साथ साथ कंपनी सेक्रेटरी का जो भी कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ट्वेल्थ के बाद करना है तो आपको किस तरीके से करना है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें आपके तीन लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और तीसरा होता है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम। अब इनमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं और कितने महीने की आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी। आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है ट्वेल्थ क्लास के बाद, तो यहाँ पे आपको ये तीनों ही प्रोग्राम्स है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, ये तीनों ही देने पड़ेंगे। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद देना चाहते हैं उनको सिर्फ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, अगर आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर आपने किसी और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तब आप ये कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट्स की, तो फाउंडेशन में आपके पास चार पेपर्स होते हैं, बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये चार पेपर्स आपको देने पड़ते हैं। एग्जीक्यूटिव में आपके आठ पेपर्स होते हैं। मैं नए सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं पुराने सिलेबस के हिसाब से नहीं बता रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। दो मॉड्यूल्स में आपके ये आठ पेपर्स होते हैं, एक मॉड्यूल में चार पेपर होते हैं, जैसे कि इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉस, तीसरा पेपर होता है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, चौथा पेपर होता है आपका टैक्स लॉस का। ये मॉड्यूल वन में ये चार पेपर्स आते हैं। मॉड्यूल टू की बात करें तो इसमें आपके चार पेपर्स आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, और आठवां पेपर होता है आपका फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको 15 मंथ्स की एक ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है, जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी के फर्म में होती है, राइट? जैसे कि सीए में आपकी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे आपकी 15 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि लगभग आपका 1.5 साल हो गया, राइट? तो ऐसे में ट्रेनिंग करने के बाद आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम में जा सकते हैं, जिसमें आपके 9 पेपर्स होते हैं, 3 मॉड्यूल्स में होता है। मॉड्यूल वन में आपके होता है एडवांस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, सेक्रेटरियल ऑडिट, कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ड्यू डिलीजेंस, तीसरा पेपर होता है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। मॉड्यूल टू में भी आपके 3 पेपर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम ऑडिट, पांचवा पेपर होता है फाइनेंशियल ट्रेजरी एंड फॉरेक्स मैनेजमेंट, छठा पेपर होता है एथिक्स एंड गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। मॉड्यूल थ्री में भी आपके 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें एक आपका इलेक्टिव होता है 5 सब्जेक्ट्स में से। इसके अलावा बता दूं कि प्रोफेशनल प्रोग्राम का नया सिलेबस भी आ चुका है, जो कि तो इस चीज़ की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं इसका लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हैं कंप्लीट कौन कौन से पेपर है। बेसिकली यहाँ पे भी आपके 3-3 पेपर्स ही है, बट यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुआ है, जो कि आप नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पेपर्स के बारे में। अब देखिए, फ़र्क सिर्फ इतना रहता
रहता है कि अगर आप ट्वेल्थ की बात करेंगे तो आपको तीनों प्रोग्राम के पेपर सारे देने पड़ेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल प्रोग्राम देना पड़ेगा। ट्रेनिंग आपको दोनों ही तरीकों में करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होने वाला कि अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग दोनों ही केसेस में आपको देनी है, चाहे आप ट्वेल्थ की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें, जो कि 15 महीने की आपकी होने वाली है, जिसको आपको किसी कंपनी सेक्रेटरी के गाइडेंस में करना है। राइट, तो इस चीज़ का आपको समझ आ गया। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों फी स्ट्रक्चर कितना रहता है। देखिए, अगर आप सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम में आपको अगर रजिस्टर कराना है तो आपको 4500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कराते हैं तो 9000 रुपये है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए, 12500 है जिन्होंने सीपीटी पास किया है या फाउंडेशन पास किया है आईसीएआई का, और 10000 रुपये है नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, और 8500 स्टूडेंट है जिन्होंने सीएस फाउंडेशन पास कर लिया है। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम की फीस जो है वो 12000 रुपये है। राइट, ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको दोस्तों एग्जामिनेशन फीस होती है वो भी आपको देनी पड़ेगी। फाउंडेशन की 1200 रुपये है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की 1200 पर मॉड्यूल है, 3 मॉड्यूल्स होते हैं आपके, और प्रोफेशनल प्रोग्राम की भी 1200 रुपये पर मॉड्यूल है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो ये आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। अगर हिंदी में देते हैं तो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो आपका सब्जेक्ट होगा वो खाली इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब्जेक्ट आप हिंदी में पढ़ना चाहे देना चाहे एग्जाम तो वो भी आप दे सकते हैं, ये आपके पास छूट है। तो दोस्तों ये सारे आपको प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना पड़ता है अगर आप सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी हो सकती है, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा। पढ़ाई कंप्लीट कर ली आपने, अब कितनी सैलरी पे लग सकते हैं। अगर आज की डेट में बात करें तो एवरेज सैलरी अगर हम निकालें तो एक कंपनी सेक्रेटरी की, फ्रेशर्स की सैलरी में बता रहा हूँ आपको, जो अभी अभी पास आउट हुए हैं, उनकी सैलरी 20,000 से 50,000 रुपये के बीच में हो सकती है। सैलरी जो है वो वैरी करती है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना बात करने का अपना ही तरीका होता है, उसके स्किल्स पर डिपेंड करता है, वो किस तरीके से इंटरव्यू में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, सामने वाला जो उसका इंटरव्यू ले रहा है वो उससे इंप्रेस है या नहीं है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इसके अलावा आप किस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर कंपनीज़ के अपनी सैलरीज होती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बाकी जब आप कोर्स अपना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद पर खुद बहुत सारे रास्ते नजर आ जाएंगे। तो ये होता है दोस्तों सैलरी पर्सपेक्टिव। तो अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी करने के बाद। देखिए, मैंने बताया कि जैसे कि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई डिग्री वगैरह नहीं है, तो आपको अपनी एक डिग्री जो है साथ साथ करनी ही करनी है। अगर आप वन गो में क्लियर कर लेते हैं अपना कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, तो आपको कम से कम 3 साल लग जाते हैं। तो अगर आप साथ साथ अपनी डिग्री भी करेंगे तो आपकी डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किस सब्जेक्ट में डिग्री करना चाहते हैं, बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी, जिस भी फील्ड में आप कंपनी सेक्रेटरी के साथ डिग्री करना चाहें आप कर सकते हैं ओपन से अपना, तो ये आपकी चॉइस है सोनली। इसके अलावा अगर आप आगे एमबीए करना चाहते हैं आप एमबीए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, सीएफए वगैरह अगर आप इस तरीके के सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, तो सारी ही अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रह सकती है अगर आप जो भी करना चाहें। तो दोस्तों ये तो था कंप्लीट डिटेल आपको कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं, किस तरीके से ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। आई होप जो हमारी कोशिश थी आपको कुछ नया बताने की समझाने की वो पूरी हुई होगी। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है क्वेश्चन से तो आप हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन पर लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ जो भी सीएस करने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे सीए कैसे बने, बीबीए के बारे में, बीएससी के बारे में, एमबीए के बारे में, बहुत सारे कोर्सेज के बारे में, साथ ही साथ करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। तो दोस्तों जल्दी अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।